नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। देश की राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक मकान ढह जाने से लगभग 5 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। यह हादसा आज दोपहर लगभग 1:30 बजे उस समय हुआ जब अचानक से 3 मंजिला इमारत भरभरा के ढह गई। बताया ये जा रहा है कि मकान में लगभग 1 महीने से रिनोवेशन का काम चल रहा था। मलबे से 2 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है जबकि 5 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि सत्य निकेतन जो है एक पॉश इलाका है दिल्ली का, साउथ दिल्ली में है ये सत्य निकेतन, और यहां पर 3 मंजिला इमारत भरभरा के उस समय गिर पड़ी जब यहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। ये देखिए घायल मजदूर आप देख सकते हैं मशक्कत करता हुआ और उसको निकालने का प्रयास किया गया। ये 3 मंजिला इमारत सत्य निकेतन की जो रेनोवेशन के दौरान पुराने घर हैं उनको रेनोवेट करने की कोशिश की जा रही थी और ऐसे में ये 3 मंजिला इमारत जो है वो भरभरा कर गिर पड़ी। मेरे सहयोगी अभिषेक रावत ने यहां सत्य निकेतन से एक रिपोर्ट हमें भेजी है। जानते हैं कि क्यों गिरी आखिर ये इमारत और अभी कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। हम इस समय सत्य निकेतन इलाके में मौजूद है और यहां पर एक 3 मंजिला इमारत ढह गई है। आप यहां देख सकते हैं कि बचाव कार्य चल रहा है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मलबे के अंदर 4 से 5 लोग दबे हो सकते हैं। फिलहाल आप देखिए JCB के माध्यम से मलबा हटाने का काम चल रहा है और ये आप देखिए जो मकान था वो बताया जा रहा है कि वो निर्माणाधीन था और उसका अचानक से जो है ये पूरी इमारत ढह गई है। लगभग 3 मंजिला इमारत वो बताई जा रही थी। इसी इलाके के रहने वाले कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कितने बजे की घटना और क्या हुआ था। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम अंशुल है। अंशु जी ये कितने बजे की घटना हुई? सर ये करीब 1:15 बजे के आसपास की है। मैं अपने बेटे को स्कूल लेने गया हुआ था तो वहाँ से पीछे से मेरे घर से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बिल्डिंग गिर गई है तो मुझे पता चला। तो ये कितने दिन से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? सर ये लास्ट मेरे ख्याल से 1 महीने के आसपास हो गया, 1 महीने के आसपास हो गया होगा। फिलहाल पुलिस भी मौके पर है, सिविल डिफेंस वाले भी मौके पर हैं और ये आप क्रेन के माध्यम से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फायर विभाग की भी लगभग 5 गाड़ियाँ मौके पर आई हुई हैं। आप और सत्य निकेतन इस मौके से हमारे सहयोगी अभिषेक रावत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक रावत इस समय के क्या हालात हैं? ये कहा जा रहा था कि 5 मजदूर अभी भी इसमें फंसे हुए हो सकते हैं, क्या उनको निकाल लिया गया है? और दूसरा क्या वजह रही इस घर के गिरने की? क्या ये नया घर बनाया जा रहा था क्या रेनोवेशन चल रहा था इसमें? देखिए शोभना सबसे जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि अभी अभी हमारी आंखों के सामने एक और मजदूर को यहाँ से रेस्क्यू किया है। NDRF की टीम है और दिल्ली फायर सर्विस की टीम है जो संयुक्त रूप पर जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं। और यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये बताया है कि ये कंस्ट्रक्शन का काम लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से चल रहा था। यहाँ पर ये मकान पुराना था और अब इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था। सपोर्ट देकर जो है लेंटर को उठाकर फिर इसमें कंस्ट्रक्शन की जा रही थी। अब मैं आपको यहाँ साइड पे दिखाऊंगा, आप यहाँ सामने देखिए कि अभी हुआ है। इसमें साइड में से ड्रिल मशीन से छेद किए जा रहे हैं ताकि अगर कोई अंदर फंसा है इसके आसपास है तो उसको यहाँ से रेस्क्यू कराया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर एक रस्सी भी डाली गई है कि अगर कोई उस छेद से बाहर नहीं फिर बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल। तो अभिषेक रावत यही जानकारी देते हुए कि रेस्क्यू ऑपरेशन NDRF के द्वारा, दिल्ली फायर सर्विस के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, इस गिरी हुई इमारत में, ढही हुई इमारत में, उनको निकालने की लगातार कोशिश हो रही है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, कोई अपडेट होगा मैं फौरन आप तक पहुंचाऊंगी। आगे बढ़ते हैं मातृभूमि में और बात महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की कर लेते हैं। राणा दंपत्ति FIR रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं जहां इस वक्त मामले की पूरी सुनवाई चल रही है। राणा दंपत्ति की तरफ से रिजवान मर्चेंट पक्ष रख रहे हैं जबकि सरकारी वकील प्रदीप घरत भी इस कोर्ट में मौजूद है। हम आपको बता दें कि नवनीत राणा और रवि राणा जो कि पति पत्नी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और FIR को रद्द करने की याचिका दायर की गई बॉम्बे हाई कोर्ट में। पूरा मामला समझिए। देशद्रोह होगा, राजद्रोह होगा तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। ये एक नॉन इश्यू है एक्चुअली, अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल इश्यू बनाया जा रहा है। जो हनुमान का भक्त है वो आग लगा रहा है, उनके घोटाले की लंका जल रही है, उसकी चिंता है। पुलिस कस्टडी में मिस्ट्रीट किया गया। मान 40 पढ़ना सबका अधिकार है।
हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र का सियासी बवाल सोमवार को भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आर्थिक राजधानी का सियासी संग्राम 1414 किलोमीटर दूर देश की राजधानी में दस्तक दे चुका है। शिवसेना और ठाकरे सरकार की शिकायत लेकर किरीट सोमैया की अगुवाई में बीजेपी नेता आज केंद्रीय गृह सचिव से मिले और SIT जांच की मांग की। उनके सहकार्य से 70-80 शिवसेना के गुंडे उनका जान लेने का प्रयास करते हैं, उसके लिए स्पेशल टीम भेजनी चाहिए। परिस्थिति चर्चा चिंताजनक है। गृह सचिव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय का हम गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। जिन आरोपों को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया दिल्ली में उद्धव सरकार की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, दरअसल उसके तार शनिवार की घटना से जुड़े हैं। शनिवार की शाम किरीट सोमैया निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला हुआ। किरीट का आरोप है कि हमला शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया। सोमैया जेड प्रोटेक्टी इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि बाहर लोग मुझ पर हमला करने वाले हैं और पुलिस स्वयं उनको गुंडों के हवाले कर देती है। वहीं CM उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा 14 दिनों के लिए जेल में हैं। मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया। भाईखला जेल है, ये महिलाओं के लिए विशेष जेल बनाया गया। महिला कैदी इस जेल में रहती है। इसी जेल में रात 10 बजे के करीब नवनीत राणा को शिफ्ट किया गया। फिर इसके बाद उनके पति को विधायक जो रवि राणा भाई का ऑथर रोड जेल लेकर जाया गया, जहां जेल प्रोसीजर है लगभग 10 मिनट का पूरा करने के बाद उनको तलोजा जेल है रात 12:15 शिफ्ट कर दिया गया है। राजद्रोह के इस मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना में बयानबाजी तेज है। चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा भूलेंगे। धार्मिक उन्माद खड़ा करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। ठीक, आप सरकार को अस्थिर करिए, लेकिन उसके लिए जिस तरह का माहौल आपने बनाया धार्मिक उन्माद का, दो धर्मों में, जातियों में झगड़े लगाना, दंगल के लिए लोगों को उकसाना, ये राजद्रोह है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे UP हो, चाहे बंगाल हो, कहीं भी हो। इस पूरे विवाद में NCP ने भी एंट्री मार दी है। NCP की कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और PM आवास के बाहर धार्मिक पाठ की इजाजत मांगी है। देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है, हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी ट्विटर स्पेस पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, CM उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया। जिस लाउडस्पीकर से अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा सियासी बना, उसकी गाइडलाइंस तय करने के लिए CM उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक से BJP और MNS के बड़े नेताओं ने दूरी बना ली है। महाराष्ट्र में फिलहाल हनुमान चालीसा पर शुरू हुए सियासी हंगामे के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर घमासान के बीच इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि अगले महीने 26 मई को मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर BJP के समर्थक देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मंदिरों में पूजा पाठ होगा, यज्ञ के कार्यक्रम भी होंगे। तो 26 मई को हनुमान चालीसा का पाठ होगा जब BJP के 8 साल पूरे हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। विकास भदौरिया दिल्ली से मौजूद हैं, जितेन दीक्षित बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं, अंकित गुप्ता भी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ेंगे और प्रणय निर्माण जो है वो अमरावती में मौजूद हैं, वो अमरावती जहां से नवनीत राणा जो हैं वो सांसद हैं। मैं रुक करना चाहूंगी विकास भदौरिया सबसे पहले आपका, और मेरा सवाल आपसे यही है कि ये खबर आ रही है कि भाई 28 तारीख को जब मोदी सरकार के 8 साल पूरे होंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, मंदिरों में पूजा पाठ होगा 26 तारीख को, माफ कीजिए, तो बहुत अच्छी बात है, 8 साल पूरे हो रहे हैं, होना भी चाहिए इस तरीके का पूजा पाठ, यज्ञ के कार्यक्रम, लेकिन क्या प्रवोक करने का काम तो नहीं किया जाएगा जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में उदाहरण सामने आए हैं? इसके लिए सरकार को चिंता होगी, सरकार की और चुनौती भी बड़ी है। पहले तो शोभना आपको
ITA अवार्ड के बेस्ट न्यूज चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई। आप एक बार फिर से एबीपी न्यूज की बेस्ट न्यूज एंकर चुनी गई हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। अब खबर पे आ जाते हैं। खबर यही है कि 26 मई को जब 8 साल पूरे होंगे, तो जाहिर तौर पर बीजेपी की जो कोशिश है कि सरकार की 8 साल की योजनाओं को जो जन जन तक पहुंची है, जमीन तक पहुंची है, उनको अलग अलग मोर्चे, अलग अलग संगठनों के जो बड़े नेता हैं उनके जरिए लोगों तक फिर से पहुंचाने की कोशिश की जाए, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए छोटे छोटे लेकर बड़े तक सम्मेलन किए जाएंगे, ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अलग अलग नेता इसके लिए पहुंचेंगे, अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो आने वाली योजनाएँ हैं उनके बारे में भी इन लोगों को अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, ताकि जो लोग जिन योजनाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं, योजना उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, उन तक पहुंचे। और इसके लिए वार्ड के और बूथ के कार्यकर्ता से लेकर और राष्ट्रीय महासचिवों तक की एक टीम बनाई जाएगी। जिन हिस्सों में बीजेपी कमजोर है, मसलन दक्षिण भारत के जिन हिस्सों में बीजेपी कमजोर है, वहां पर विशेष तौर पर बूथ के जरिए इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बूथ को रिचार्ज किया जाएगा। लेकिन इसी बीच बीजेपी के जो समर्थक हैं वो अपने नेता के 8 साल पूरे होने के मौके पर जगह जगह हवन यज्ञ करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे, मंदिरों में इसके लिए बाकायदा भजन पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और अगर मंदिरों के भीतर ये हवन पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ होता है, उसके बाद भी अगर कोई प्रवोक होता है तो फिर उसकी बुद्धि पर तरस होगा। बिल्कुल बिल्कुल विकास भदौरिया, आप सही कह रहे हैं कि भाई 8 साल पूरे हो रहे हैं, जो यज्ञ है, हवन पूजन सब होना चाहिए, बूथ लेवल तक प्रचार का काम भी बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेती हूं, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर वो मौजूद है। जितेंद्र, इस समय बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? FIR जो राणा दंपत्ति है, FIR रद्द करने की अपील कर पहुंचे हैं हाईकोर्ट, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बात हनुमान चालीसा की हो रही है तो हनुमान चालीसा का मुद्दा जो है इस बॉम्बे हाईकोर्ट में भी गूंज रहा है। और जिस हनुमान चालीसा विवाद को लेकर राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी हुई थी, उनके FIR दर्ज हुए थे, उसको इस हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। उन FIR को उन्होंने अदालत में ये कहा कि दोनों ही FIR को कंबाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक ही घटना से जुड़े हुए हैं, इसके लिए दो अलग अलग FIR दर्ज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुंबई पुलिस ने दो अलग अलग FIR दर्ज की थी। पहली FIR में ये आरोप लगाया गया कि ये लोग जो है धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश कर रहे थे, और इसके साथ साथ उसमें एक धारा जोड़ी गई कि ये लोग जो है राजद्रोह कर रहे थे। इसके बाद धारा ITC की धारा 353 के तहत एक और आरोप FIR दर्ज की गई कि ये लोग जो है सरकारी काम में रुकावट ला रहे थे, पुलिस से इन्होंने गिरफ्तारी के वक्त में बदसलूकी की थी, तो दूसरी FIR थी। इन दोनों ही FIR को कंबाइन करने की अर्जी यहां पर रखी गई है। अब से कुछ देर में ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ऑर्डर आएगा। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना के रखिए। और मैं प्रणय निर्वाण का रुख करूंगी जो कि अमरावती में मौजूद है। अमरावती जो कि निर्दलीय उम्मीदवार नवनीत राणा का क्षेत्र है, इस समय का क्या हालात है प्रणय निर्वाण? जिस तरीके से एक हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर नवनीत राणा उभरने की कोशिश कर रही है, एक अलग ही तरीके की सियासत उनके द्वारा की जा रही है, वहां के लोगों का क्या कहना है? जी, मैं अभी सांसद नवनीत राणा के घर पर ही मौजूद हूँ। आज सांसद नवनीत राणा के जो कार्यकर्ता हुए, हजारों के भीड़ से उन्होंने कलेक्टर ऑफिस पे एक मोर्चा निकाला। मुंबई में सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा के ऊपर जो मामला दर्ज किया है, वो पूरा मामला रद्द करने की मांग आज उनके जो पार्टी है युवा स्वाभिमान, उन्होंने की है। और इस समय उन्होंने काले कपड़े पहनकर जो घटना हुई है मुंबई में, उसका निषेध भी किया। अपने साथ उनके पार्टी के कार्यकर्ता, अपन उनसे बात करते हैं। मुझे बताइए, क्या मांग की है आपने? देखिए, महाराष्ट्र शासन द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बहुत जद्दती की जा रही है, और हमारे विधायक और हमारी सांसद इन दोनों पे राजद्रोह का गुनाह उन्होंने दाखिल किया है। आज मुंबई उच्च न्यायालय में उसके भी खटले की सुनवाई शुरू है, और हमारी मांग ये है कि राजद्रोह का जो गुनाह है ये पीछे लिया जाए, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ने की, आपका रुख करूंगी प्रणय। जैसा कि कहा जा रहा है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं नवनीत राणा के, उनका कहना है कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ना कोई राजद्रोह नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह भी सोचना होगा कि किसी के घर के बाहर क्या इस तरीके के पूजा पाठ का आयोजन कानून के दायरे में आता है? अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे दिल्ली से। अंकित गुप्ता, किरीट सोमैया की अध्यक्षता में एक नेताओं का दल पहुंचा है आज ये शिकायत लेके, जिस तरीके से उद्धव सरकार कामकाज कर रही है, तो ये जो पूरा मामला है ये भी आरोप लगा रहे हैं संजय राउत। बड़ी खबर है जितेंद्र दीक्षित, कोई बड़ी खबर है? जी जितेंद्र, बड़ी खबर है। जी जी जितेंद्र,
जी जी देखिए अभी अभी जो है ना कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और ये ऑब्जर्वेशन किया है कि इस तरह से जो भी हरकत जो है राणा दंपत्ति ने की वो एक तरह से ब्रीच ऑफ लिबर्टी ऑफ अदर पर्सन है। और इसके साथ साथ ये भी कमेंट किया है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक तरह से अदालत ने जो भी कृत्य राणा दंपत्ति की ओर से किया गया था उसको एक तरह से उसको खारिज किया है और उसकी एक तरह से भर्त्सना हम कह सकते हैं किया है। अभी भी इस वक्त कोर्ट के भीतर जो है अदालत अपनी बात रख रही है, अदालत की ओर से डिक्टेशन चल रहा है, कुछ ही देर में हमें पूरा ऑर्डर जो है मिल जाएगा कि कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र, मैं उसी समय आपका रुख करूंगी, अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, संजय राउत कह रहे हैं कि अस्थिर करने की कोशिश है सरकार को, उधर किरीट सोमैया कह रहे हैं कि उधर सरकार की कार्यवाही गलत है, दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है सियासी रूप से महाराष्ट्र को लेकर? शोभना, अगर ये कहा जाए कि महाराष्ट्र का मामला दिल्ली आ गया है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है जहां पर सरकार में महाविकास आघाड़ी है यानी कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी है, तो क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है लिहाजा किरीट सोमैया पहुंच गए हैं दिल्ली और यहां पर गृह सचिव से मुलाकात करके ये बताने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में हालात जो लॉ एंड ऑर्डर के जो हालात हैं यानी कि कानून व्यवस्था वो पूरी तरह से ठप है। उनका ये कहना है कि वो जेड प्लस उनके पास में सिक्योरिटी है, जेड सिक्योरिटी है, उसके बावजूद उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और भले ही सीधे तौर पर नवनीत राणा का जिक्र ना किया हो लेकिन उन्होंने ये जरूर बताने की कोशिश की कि जब वो नवनीत राणा और उनके जो पति से मिलने गए तो उनके ऊपर हमला किया गया, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहे हैं किरीट सोमैया। तो चलिए सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं और इस समय की बड़ी खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से आ रही है जहां पर नवनीत राणा ने जो अपनी याचिका दायर की थी उसको हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। तो राणा दंपति के लिए बड़ा झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट से नवनीत और रवि राणा को बड़ा झटका, जो याचिका दायर की गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट में उसको खारिज किया गया। जितेंद्र दीक्षित ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट इस खबर पर और क्या कहा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में? शोभना, इस मामले में राणा दंपत्ति के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है और उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। क्या कुछ कहा कोर्ट ने, कुछ सख्त ऑब्जर्वेशंस भी किए हैं। हमारे सहयोगी सूरज ओझा उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे। सूरज, बताइए क्या कुछ हुआ कोर्ट में, अदालत ने क्या टिप्पणियां की? देखिए, अदालत काफी साफ था अपनी बातों को लेकर कि अगर आप MP और MLA हैं और आपके पास पावर है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी आती है। अगर आप ऐसा कोई बयान देते हैं जिस बयान से लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है तो वो काफी बुरी बात है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि क्या आप किसी के स्ट्रीट पर जाकर कैसे मतलब किसी घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ, इस बात को लेकर वो काफी चौके हुए थे। मतलब जज को देखकर, जज की बातों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके इस टिप्पणी से कोई खुश नहीं था। लेकिन जिस तरह से प्रदीप भरत जो सरकारी वकील है उन्होंने कहा कि ये जो दोनों इंसिडेंट्स हैं ये दोनों अलग अलग हैं, इस वजह से दोनों की जांच होनी चाहिए। और हमारे दर्शकों को समझा दो कि ये दोनों इंसिडेंट्स क्या है, पहला इंसिडेंट क्या है और दूसरा इंसिडेंट क्या है। देखिए, जो पहला इंसिडेंट है जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो इस वजह से गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने जो बयान दिया कि मैं मातोश्री जाऊंगा और जाकर वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, और उनके इस बयान की वजह से शिव सैनिक सड़क पर आ गए थे, काफी एग्रेसिव हो गए थे, नारेबाजी चल रही थी, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया था। उसके बाद जब पुलिस इस इंसिडेंट में कार्रवाई करने गई तब उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, धमकी दी कि हम नहीं आते। ये दूसरा इंसिडेंट है जिसपे 353 मतलब सरकारी काम में दखल अंदाजी करना। तो जब पुलिस उन पर कार्रवाई करने जा रही थी, अगर वो एक जैसे एक पब्लिक सर्वेंट है, मतलब MP है, MLA है, तो उन्हें समझना चाहिए। तो ये दोनों ही FIR दर्ज हुई और इन दोनों FIR को क्लब करने की अर्जी इन्होंने दाखिल की थी जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जी बिल्कुल, रिजवान मर्चेंट का सीधा सीधा एप्लीकेशन था, उनका कहना था कि मैं 353 को बियर करूंगा, मैं आगे कोर्ट में इस पर आर्ग्यूमेंट करूंगा। मेरा एक ही कहना है कि ये जो 353 आपने दर्ज किया, 353 यानी कि पुलिस के साथ बदसलूकी करने वाला मामला, रुकावट डालने वाला, किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ अगर वो अपना काम, बहुत बहुत बड़ी नजीर है जितेंद्र दीक्षित। ये जो आदेश है ये बहुत बड़ी नजीर है और नजीर ये है कि भाई आपको जो पूजा पाठ करनी है वो अपने घर के मंदिर में या मंदिर में कीजिए, किसी के घर के बाहर जो सड़क है उस पर जाकर आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल हम मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे। समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर देश में चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और कांग्रेस समेत बीजेपी के सहयोगियों की क्या है प्रतिक्रिया, हमारी ये डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। भाजपा नए नए शगुफे छोड़ती है, उसको एग्जामिन करेंगे, उसमें क्या किया जा सकता है। कॉमन सिविल कोड एक तरह से माननीय मोदी जी उसके तरफ आगे बढ़ चुके हैं। खूबसूरती को बिगाड़ने का क्या कारण है,
हमको तो नहीं लगता कि इसमें कोई छेड़छाड़ की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड रहना चाहिए, आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है? अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग रह रहकर सामने आती रहती थी, लेकिन इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे ने जोर इसलिए पकड़ा है क्योंकि बात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। दो दिन पहले भोपाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में कहा, CAA, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर फैसले हो गए, अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। अमित शाह के बयान को इसलिए भी मजबूती मिल रही है क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी पूरी है। तो हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, यानी कि कोई किसी धर्म का है तो वो अलग कानून बनाएगा, वो अलग कानून को मानेगा, कोई अलग संप्रदाय का है, कोई अलग पंथ का है, चाहे कोई किसी धर्म संप्रदाय पंथ किसी भी विशेष समुदाय का होगा, तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। जो है कई तरह की बातों को लेकर के जो है अच्छा भी एक संदेश गया है और उसको एग्जामिन करेंगे उसमें क्या किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कॉमन सिविल कोड एक तरह से माननीय मोदी जी उसके तरफ आगे बढ़ चुके हैं। जो आप ट्रिपल तलाक क्या है, ट्रिपल तलाक भी उसी का एक अंग है, तो अपना देश उससे आगे बढ़ रहा। समान नागरिक संहिता पर बीजेपी के एक्शन को कांग्रेस चुनावी शगुफा बता रही है। चुनावी सरगर्मी गरमाती है तो भाजपा नए नए शगुफे छोड़ती है, उसमें से एक ये शगुफा मैं मानूंगी ये है। मुझे लगता है यूसीसी राज्यों का अधिकार है, गोवा में दशकों से लागू है, और जो संविधान की सहमति से बनाया जाएगा उससे हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मंजूरी है। कांग्रेस ही नहीं, समान नागरिक संहिता पर बीजेपी और उसके सहयोगियों के सुर भी नहीं मिल रहे। बीजेपी नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान किया तो JDU ने बीजेपी के कदम पर सवाल खड़े कर दिए। निश्चित रूप से जो चीज राष्ट्र हित में होगी, जो चीज देश हित में होगा, जो चीज आम नागरिक के हित में होगा, जो मानव के हित में होगा, उसकी चिंता तो स्वयं हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई समस्या तो है नहीं कि जिस समस्या का निदान करने के लिए कुछ नई बात की जाए, तो यहाँ नए सिरे से कोई नई बात की जरूरत ही नहीं है, यहाँ जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है, बेहतर चल रहा है। तो बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होगा सर? लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश यादव के चाचा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम रोजैया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे हैं उनकी आवाज उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत गरमाई है उसके लागू होने के बाद क्या बदलेगा ये समझिए। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए नियम एक जैसे हो जाएंगे। जाति, धर्म, परंपरा के आधार पर कोई रियायत नहीं होगी। किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से नियम नहीं होंगे। अभी देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग नियमों को मानने की छूट है। संविधान बनाते वक्त समान नागरिक संहिता पर काफी चर्चा हुई, लेकिन तब की परिस्थितियों में इसे लागू न करना ही बेहतर समझा गया था। हनुमान चालीसा और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मेरे सहयोगी विकास भदौरिया ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से खास बातचीत की है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में जल्द चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी की वहाँ नज़र गड़ी हुई है, लेकिन इस बीच विवाद हनुमान चालीसा को लेकर देश में हो गया है। देखिए, मेरा मानना है कि हनुमान चालीसा पढ़ना कोई भी अपराध नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी एक आस्था होती है, श्रद्धा होती है, और उस पर किसी का दखल होना भी नहीं चाहिए। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जहां अगर हम बात कहते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये अधिकार सबको है,
और हमें समझ में मैंने आ नहीं रहा ये सारा विषय कि किस प्रकार से इस मुद्दे को इस तरह से देने की कोशिश की जा रही है। सांसद पर, चुने हुए सांसद पर और विधायक पर, मियां बीबी हैं दोनों, देशद्रोह का मुकदमा महाराष्ट्र में दर्ज हो गया है, तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ना देश में देशद्रोह है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं। और हिमाचल प्रदेश में तो हम सब लोग, हम देवभूमि में रहते हैं, देवी देवताओं का सम्मान करते हैं और हनुमान चालीसा का तो हम सम्मान करते हैं। क्या आप ABP News आपको रखे आगे।